हाय एवरीवन, अभी कसोल से 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंचा हूं हिमाचल के एक बहुत ही प्राचीन गांव मल्लाणा में। मल्लाणा हिमाचल में है और ऑब्वियसली इंडिया का एक गांव है, बट ये गांव फेमस है अपनी दो चीज़ों की वजह से। पहली कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी मानते हैं जितने भी लोग इसके बारे में जानते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे कहीं का भी कानून नहीं चलता। यहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी पार्लियामेंट है इस गांव की, और यहाँ ही के नियम कायदे कानून चलते हैं। और क्योंकि ये इनकी पुरानी परंपरा है। और दूसरा, यहाँ की क्या बोलते हैं जो हैश मैरिजुआना भांग, वो दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी की मानते हैं, तो उसकी वजह से। तो यहाँ से होता है ये गांव शुरू, और चलते चलते जो मुझे जानकारी है वो मैं बताता हूँ, अगर कोई मिला लोकल तो उनसे भी बातचीत करेंगे। या दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज़ में से एक मल्लाणा, जहाँ की अपनी गवर्नमेंट, अपना कायदा, अपना कानून, सब कुछ बाहर के लोगों की दखलंदाजी शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ की जो रेस है, लीनियज, उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, तो दो थियोरीज आई थी सामने। एक थी कि जो अलेक्जेंडर सिकंदर जब इंडिया से हार के भाग रहा था, तो उसके जो सैनिक थे बचे हुए कुछ, वो पहाड़ों की तरफ भाग के आए थे, इस तरफ उन्होंने शरण ले ली थी और यहाँ आके बस गए थे। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि उसके वंशज हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंडो आर्यन रेस के वंशज हैं। तो इंडो आर्यन रेस वाली बात ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर ये गांव जो है, यहाँ बाहर के लोग टूरिस्ट आते हैं घूमने, मगर उनको ज़्यादा इधर छेड़छाड़ या कोई चीज़ों को, घरों को छूने की इजाज़त नहीं है। और ये है गांव का मंदिर मेन, देखिए यहाँ पे इस सूचना लगी है, जमदग्नि ऋषि के इस पवित्र स्थान को छूने पर 3500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। नहीं छूते भाई, मैं तो कुछ भी नहीं छूँगा यहाँ पे। और यहाँ का मतलब पहाड़ों में होता ही है, जैसे हर गांव या हर वैली का एक लोकल अलग देवता होता है, तो यहाँ का भी है जो कि इस तरफ है। ओके, थोड़ा मंदिर के फ्रंट वाला एरिया मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर नहीं जाएंगे, पास भी नहीं जाएंगे, घंटी बज रही है अंदर। एंड देखिए, दिस इज़ द कल्चर ऑफ मल्लाणा। मंदिर के बाहर इतनी सारी पुरानी चीज़ें टंगी हुई हैं। तो गांव का जो आर्किटेक्चर है वो भी अब थोड़ा मिक्स सा हो गया है, कि जैसे ये पुराने लकड़ी वाले घर हैं और ऐसे कंक्रीट के मकान भी अब धीरे धीरे बन गए हैं। काफ़ी बड़ा गांव है पहाड़ों के हिसाब से देखें तो। ये सारी की सारी लकड़ियाँ सर्दी के सीज़न के लिए स्टोर करके रखी हुई हैं, सर्दियों में आग जलाने के काम आएंगी, खाना पकाने के। और यहाँ की जो भांग हैश जिसको बोलते हैं, वो सबसे फेमस है दुनिया में, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी बताते हैं वो बहुत ही आला दर्जे की है। तो ये आई थिंक गांव का सेंटर है। यहाँ पे भी छूना मना है। ठीक सर, हेलो सर, नमस्ते, ठीक हो? ठीक है।
अच्छा ये गांव का मेन चौक है, सही है। ये मंदिर है ना, सारे मंदिर है, ये भी मंदिर है। अच्छा ये चारों तरफ मंदिर है। नहीं ये मंदिर है। ओके तो अपना सर यहाँ पे जो मेन देवता गांव का उनका क्या नाम है, मतलब कौन से देवता को मानते हैं? इधर का लोकल है ना देवता? हाँ जी देवता, ये परशुराम के पिताजी है, जमदग ऋषि। परशुराम के पिताजी का क्या नाम है? जमदग ऋषि, जमदग्नि ऋषि। अच्छा जो ये मंदिर बना है उनका? हाँ। अच्छा तो यहाँ अपने मलाना में उनकी पूजा होती है, जमदग्नि ऋषि की? मलाना मलाना में होती है कि आगे भी होती है आसपास अपने गांव में? मलाना में। ठीक है, मंदिर तो अपने फिर बहुत पुराने होंगे। ये तो थोड़ा नवा है, नहीं है पुराना मंदिर। वो सामने वाला वो कितना पुराना होगा? तो पता ही नहीं है, हमारा जो दादू बाप थे उसके तो उनका भी बड़ा है, उनसे भी बड़े है। अच्छा हाँ वो तो देख के लग रहा है ना कोई बहुत पुराना मंदिर है। सही है। और अच्छा ये बात है अपना, जैसे कि यहाँ पे मंदिर में बाहर का आदमी आता है उसको ऐसे टच नहीं करना चाहिए, है ना? ये अपना पुराना रीति रिवाज है, पुराना मतलब रीति की मतलब वहाँ से। हमारा जो देवता जी है ना, हाँ जी, ये नहीं मानते। नहीं मानते? हाँ नहीं, अच्छी बात है। उसमें क्या है, जो रिवाज है, जो मान्यता है, उसको मानना भी चाहिए, है ना? तो ऐसे होता है कोई लोग ऐसे टूरिस्ट आते हैं कहीं, कर देते छेड़खानी? नहीं करते? हाँ नहीं, लिखा हुआ अच्छा है पर कई होते हैं ना जैसे थोड़ा कुदरत की करेगा तो कुछ नहीं क्या। अच्छा और बाकी गांव में अपने स्कूल वगैरह तो है? स्कूल कौन सी क्लास तक? 10 तक। और एक बात मैंने सुनी थी यहाँ पे, जैसे कि अपना जो गांव है, अपने गांव की जो पंचायत है जैसे, तो समझो वही यहाँ का नियम कानून सब वही बनाते हैं, वही सरकार है। मतलब नीचे जैसे कुल्लू वगैरह के अपने नहीं चलते इधर? नहीं ये मतलब अभी चल रहा है, कुल्लू में कोर्ट में भी जा रहा है, तो ऐसा हमारा देखो ये कोर्ट है हमारी। अच्छा आपका कोर्ट ये सामने? इधर ही फसला होता है हमारा, इधर ही। अच्छा ये मंदिर के सामने जो चबूतरे पे बैठे हैं लोग? नहीं जो बैठे, हाँ ये बैठे हैं ना। हाँ ये बिल्डिंग है ये वाली? हाँ। अच्छा तो आपके गाँव के जो छोटा मोटा झगड़ा कुछ भी होता है वो फैसला ही होता है? वो तो चीज़ मैं अच्छी मानता हूँ उसको, तो क्यों फालतू में कोर्ट कचहरियों के ज्यादा लपड़े में पड़ना है ना? बस इसी मतलब कोर्ट में होता है। हाँ मतलब गांव में बैठ के अपना यहीं पे मसला सुलझा लो, है ना? वहाँ जाएंगे लंबा बढ़ेगा झगड़ा, फिर उन्होंने पैसे खाने वकीलों ने, और है लफड़ेबाजी है। तो ये चीज तो मेरे को आपकी ज्यादा अच्छी लगी है कि आपका अपना कानून अपना सिस्टम है और यहीं पे छोटा मोटा जुर्माना वगैरह जो भी करके और यहीं फैसला हो जाता है। तो आपके गांव में वैसे ही से फिर लड़ाई झगड़े सब होते भी बहुत कम होंगे? कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, कभी इधर भी नहीं बनेगा तो तब कोर्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा सख्त होगा ना? हाँ नहीं जाता वैसे, चांस कम है यहाँ से बाहर जाने के, चांस कम है। वो भी अभी बिल्कुल दादू बाप तो मतलब कोर्ट देखा ही नहीं किस वो जमाने में, तो क्या देखना उन्होंने? अभी जाते तो कई कई लोग को ना मतलब पुलिस कार्रवाई करते है ना, पहले तो कहाँ पुलिस पास मतलब। अच्छा अभी पुलिस वगैरह आ जाती है? अब तो आ जाते हैं। ठीक, वो जैसे अपना आपका तो गांव का जैसे सरपंच या प्रधान जो बनता है वो वोट करवा के बनता है कि आप इस सहमति से बना रहे? वोट पड़ता है। ठीक तो आप ही आपस में डलवा लेते हो कि नीचे से कोई आता है वो वोटिंग वाले? वोटिंग वाले आते हैं, आते हैं खुद, आते हैं खुद, इलेक्शन कमीशन वाले खुद वोट देते हैं, खुद आ रही जी दी। और नीचे जैसे अपने MLA वगैरह के इनके वोट बनते हैं वो आप डालते हो? उनका भी हम वोट डालते हैं, डालते हो सब काम? ठीक है, सही है फिर तो। बाकी यहाँ पे अपना क्या नाम है, सर्दी में तो खूब बर्फ गिरती होगी, है ना? 10 फुट का, 8 फुट का। खेती बाड़ी में अपना क्या सेब वगैरह होता है इधर? होता है। अनाज में क्या है? अनाज इधर मतलब वो कणक है, कठू बोलते हैं। अच्छा
और क्या नहीं आता। अच्छा कठू यहाँ का लोकल अनाज है। कठू मतलब कड़े दाना होता है। तो होते तम्बाकू भी थोड़ा कम बीजते हैं वहाँ के। अच्छा तम्बाकू कम बीजते हैं। नहीं अच्छा तम्बाकू के लिए क्या, जैसे ठंडा मौसम उसमें ज्यादा होता है। ठीक है। तम्बाकू भी होता है, सब कुछ होता है, आलू होते हैं, मटर होते हैं। बढ़िया है फिर तो, मतलब गांव का या कि राशन पानी अपना खाना पीना चल जाता है आराम से। मैं तो नीचे जाता हूं, डिपू पड़ा हुआ है। नीचे डिपू बना हुआ है। ये इधर बना हुआ है, इधर ना ये सरकारी डिपू लगा हुआ है, ये डिपू से मिलते राशन। और एक मैंने ये बात भी जैसे सुनी थी नीचे की, बाहर का जैसे टूरिस्ट में आया हूँ, जैसे बाकी और आते हैं घूमने, बोलते थे कि वहाँ पे बस आप जा सकते हो घूमने घूमने, और शाम से पहले आपको वापिस जाना पड़ता है, रुकना वगैरह मना है। नहीं रुक भी सकते, सकते हैं। कैफे लगा हुआ है, कैफे होम स्टे वगैरह। वो आपके गांव के आपने लोगों ने बनाया है? लोगों का ही है, पर किराया हमारा है ना, जो मेरा जमीन है तो मैं मतलब बनाने का देगा तब किराए पर। नहीं पर मैं बताऊं, जैसे होम स्टे और ये कैफे खोल रखे हैं तो ये है तो यहाँ का, मतलब आप मलाना के लोग ही ना, ऐसा रह सकते हैं, मतलब बाहर का बंदा जैसे मैं आया हूँ तो रुक सकते हैं कैफे में। हाँ ठीक, कैफे लगा है इधर इधर। हाँ वो तो कैफे होटल गांव में नहीं है ना, सिर्फ गांव से बाहर मतलब कैफे लगा, गांव से बाहर लगा हुआ है। या गांव के शुरू में जैसे था वो एक होम स्टे बना हुआ है जैसे, ये ढाबा छोटा खाने का ऐसा, ये मतलब दूसरा है, मतलब वो जो ओरिजिनल होता है जानते हैं, लोहार होते हैं ना, लोहार होते हैं ओ ये मतलब उन्होंने बैठा था इधर अपने पास। अच्छा हम नहीं, हमारे घर में नहीं, अंदर वो सब ठीक। और आपके यहाँ जो आप मलाना में बोली बोलते हैं जैसे आपके लोकल लोग, वो कौन सी बोली है? ये तो मतलब हमारा वर्षी की ये बोली है इधर का, ये से उसका जैसे नाम होगा ना, जैसे हमारे हरियाणवी या हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, नहीं कुल्लूवी बोलते हैं। आप आपकी कुल्लू वालों से डिफरेंट है? कोई कुल्लू वाला नहीं, किसी नहीं, मतलब उनसे अलग है आपकी। हाँ तो पूरा दुनिया में नहीं मिलती है, नहीं मिलता, नहीं मिलता, सिर्फ आपके गांव में बोलते हैं, सिर्फ हमारा अपनी है, बाहर का लोग समझ नहीं पाते। नहीं नहीं अरे सौ बातें कर रहा तेरे साथ, तेरे को कैसे समझ में आएगा? मेरे को तो सो छोड़ो, एक भी नहीं समझ है किसी का नहीं आते। हाँ वो तो है ही ना कि आपका मतलब अपना अलग वो होता है एक पासा, तो वो कैसे समझ आएगा? और मैं तो फिर से भी नीचे करे गया, पहाड़ी बंदे को भी समझ नहीं आती है, फिर मेरे को तो कहाँ ही आनी है। पहाड़ी बंदा कभी नहीं आता, जो पहाड़ का आदमी है, रसोल है, वो तोच है, उनको भी नहीं आती है, बरसैनी है, देखो मुनाड़ी है, कोई जगह है ना पहाड़ की, आपकी अपनी अलग है, अपनी है। और यहाँ पे जैसे अपना त्योहार कौन सा मनाते हैं आपका इधर मेन त्योहार? जैसे वो पता नहीं है, नहीं नहीं मेला वेला लगता होगा जैसे, मेला का लगता है ना, 15 अगस्त का मेला होता है। 15 अगस्त का होता है कि वो सावन का मेला है? 15 अगस्त ठीक, वो अपना आप देवता का मेला होता है, पूजा करते हैं, पूजा करता है, देवता निकलता है, जान करते हैं, सब कुछ 4-5 दिन होता है। 15 अगस्त के पास होता है वो? अरे पहले पता होता तो मैं उस टाइम के कोशिश करता। चलो कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। बहुत बढ़िया। बाकी घर अपने यहाँ पे ऐसे ही है ना, लकड़ी के पत्थर के, पर आजकल ये सीमेंट वाले बनने लग गए ना। ये सारे जल गया था ना, फिर मतलब ये सीमेंट वाला मतलब जला कैसे था? आग लग गया ना इधर, वो उसका कोई पता लगा कैसे लगी आग? ये मतलब जो लड़के थे ना छोटे बच्चे, सवेरे उठ के मतलब घर से आदमी गया आया कहीं, उन्होंने ऐसा किया मिट्टी का तेल का मतलब तेल तंदूर के अंदर डाला, मर्चिस लूगा ज्यादा तेल डाला जैसा लग गया। तो कितने घर जले फिर? पूरा नीचे आधा गांव जल गया था। ये भी तो जल गया है। अच्छा ये मंदिर नया बना ये, तो ये भी जल गया। अच्छा ये मंदिर हाँ, वो भी काला काला जैसे दिख रहा है, तो धुएं से ही लग रहा है। ये तो धुआं से, ये नहीं जल गया, ये बच गया था, ये तो बच गया था, ये तो पुराना है, पता नहीं साल पुराना है। बढ़िया बढ़िया, ये तो चलो बच गया। हाँ ये लकड़ी के मकान में बड़ा खतरा रहता है, और आप लोग तो जैसे पशुओं का चारा भी अंदर रखते हो, सूखा हो जाता है वो, लकड़ी भी आप सर्दियों के लिए रखते हो,
तो वो थोड़ा रिस्क रहता है, बच्चे वगैरह आया कर देते हैं ऐसे। यहाँ ना आग की बहुत खतरा है जी, अभी देखो बाद में मतलब वो बारिश नहीं इतना होता ना, बाद में ना मतलब वो इससे बाद कम ही होगा बारिश, तब ये सारे सूख जाएगा। तो फिर हमारा होता है मतलब बेटियां बकरियां इन पर या घास अपना जो लकड़ी जमा करके रखने हैं, नहीं तो बर्फ में कहाँ से लकड़ी है, नहीं नहीं वहाँ तो कुछ नहीं, इस वजह से हमारा बहुत खतरा होता है उन्हें। आप चलो दुआ करते हैं कि आगे साथ जाना, थोड़ा घर इधर भी चले गया ना अभी। अच्छा, इस साल अच्छा वो सामने इस मकान से छोटी मोटी तो कोई ना कोई, इतनी लकड़ी होती है ना तो हो ही जाता है कभी कभी। ठीक है, वाह भाई वाह सर। तो यहाँ सबसे पहले टूरिस्ट कोई आइडिया आपको कब आए होंगे, बाहर कहीं आए होंगे, इज़राइल वगैरह वाले जो आए थे? मतलब टूरिस्ट आने का तो इधर जो बाहर का आदमी आने का तो कम 10-15 साल ही हो गया। 10-15 साल पहले कहाँ रोड नहीं होता था ना, पहले नहीं होता था। नहीं नहीं रोड ही नहीं, जरी से पैदल आना पड़ेगा। अच्छा, बड़े कुदरत किया था, कोई नहीं आता इधर। तो मतलब 15-1 सालों में यहाँ टूरिज्म बढ़ा है। तो अपना जो जैसे ये अपना खेतों में ये होता है, लोग आते हैं यहाँ पे लेने भांग भांग है, कि पहले ही होता था कि टूरिस्ट के बाद शुरू हुआ है? नहीं नहीं पहले नहीं होता था, नहीं हमने जानते ही नहीं। मैं तो वही लोग लेके आए बाहर से। हम तो मतलब इसका जिंदगी में बनाने भी अभी भी नहीं जानते। अच्छा अच्छा, हमको पता ही नहीं मतलब इसको बनाने का अस्तित्व। ठीक, तो मतलब पहले मैंने सुना है कि इज़राइल के टूरिस्ट आए यहाँ पे। जो इज़राइली और जो हिप्पी अंग्रेज है ना। हाँ हिप्पी जो है। हाँ यही आ रहा था। अच्छा, उन्होंने यहाँ के यहाँ पे फिर बीज डाले? नहीं बीज तो होता था पहले, होता था पर उन्होंने इस चीज़ को मतलब परखा था कि ये मतलब जो बीज है ना ये तो हमारा दादी बाप से मतलब इसको ये तो हमारा ये तो जरूरी चाहिए। अच्छा, तो उसको तो थोड़ा थोड़ा बीजना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो उसको मतलब जो दाना है, हाँ, दाना है। वो देवते को मतलब काम में डेली चाहिए, मेरे को सब लोगों को चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो दूसरा ये मतलब राशि बनता है। हाँ, 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 राशि जो हाँ हाँ गले में डालते हैं। हाँ, जो गले में क्या जो उठा के मतलब हाँ, हाँ, लकड़ी लिया हो किसी चीज को बोझा लिया हो उसको लगते है, बाकी पेड़ को मतलब पूरा लगते है। हाँ, इसके दवाई भी होता है जैसे कोई चोट वोट या कुछ ऐसा नहीं होता? दवाई छोड़ो, ये पूरा भी तो लगता है मतलब हम बूट के साथ देवते का फास जाता नहीं। हाँ हाँ, वही चाहिए मतलब जो। अच्छा, पैर में पहनने के लिए आप जो ये चमड़े का जूता पहन के देवता के पास नहीं जाते? नहीं नहीं, तो उससे फिर आप ये बनाते थे पैरों में पहनने का? हाँ, इसका मतलब जो होता है ना मतलब उसकी तो टहनी होती है जो डाली डाली पैर में, तो उसको मतलब उतार के तो फिर पूरा बनाना है। वो तकड़ी होती है जैसे मजबूत होती है? मजबूत होता है ना, पर मतलब वो मजबूत तो होता है ना। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पे ये होता पहले से था, पर इसका जो इस्तेमाल था वो अलग था, मतलब लोकल अपने कामों के लिए पूजा में उसकी जरूरत पड़ती थी देवते की। इससे देखो जब बर्फ पड़ेगा ना तो बर्फ कटे मतलब वो नंगी पैर थोड़ी जाने, नंगे पैर नहीं जाए तो उसके वो बनाते थे मोजे, उसको जो पूरा बना के पहनते थे हमारे बुजुर्ग लोग का। ठीक है, तो ये देखो अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना भांग या जो भी इसके पौधे होते हैं होते पहले से थे, पर यहाँ इसके बीज जो देवता की पूजा में यूज होते थे उसका जो पौधा है उससे ये पैरों के जो मोजे होते हैं वो बनाते थे, ताकि चमड़े के जूते पहन के देवता के मंदिर में नहीं जाते थे ये, और अभी भी नहीं जाते, और उसके बाद बर्फ के ऊपर भी चलने के लिए वो काम आते थे। और उसके बाद 15-20 साल पहले कोई बोलते हैं कि जैसे इजरायली आए या फिर जो हिप्पी आए थे उन्होंने यहाँ पे वो लगे देखे अमेरिका में 1960s से ही जो मैरिजुआना का कल्चर है वो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर था, उन्होंने ये वो सेम पौधे यहाँ के देखे और उसका उन्होंने फिर इनको सारा का सारा सिस्टम फिर चेंज ही कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद से ये यहाँ का एक बड़ा बिजनेस बन गया है, और क्योंकि यहाँ की जो चीज़ है वो बताते हैं और उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि वो क्वालिटी की उनको कहीं दुनिया में भी नहीं मिली, तो इसलिए वो यहाँ की इतनी पॉपुलर हो गई। तो ये सीन था, एंड
जाते जाते लकीली मुझे अंकल जी मिल गए एंड मेरे जो छोटे मोटे डाउट्स थे, जो बातें थी मैंने पढ़ी हुई सुनी हुई, वो दूर हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। ठीक है, ठीक है। जो ये सामने जो है, ये है पुराना, सबसे पुराना मंदिर गांव का। अब एक नया पोर्शन भी जो पीछे देखा था हमने, और एक ये बन गया है।